हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है मित्रों आप सबका दास के इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। और जो भी भक्ति वालों मुझे पहली बार आज सुन रहा है, अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल का दबा देना, ताकि घर बैठे आप चक चक दास से जुड़े रहे और भक्ति मार्ग पर आगे अपडेट होते रहे। और आज बात होगी माला जाप को लेकर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कलियुग का महामंत्र है जो कि ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया। कलि संतरण उपनिषद में इसका जिक्र है। और जो इस समय कलयुग हमारा उद्धार करेगा वो यही मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग इसे हरे राम से भी जपते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जो रामानंदी संप्रदाय के वो राम से शुरू करते हैं। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अंश भर भी नहीं है। जैसे हर और हरि में भेद नहीं है, हर और हरि में, विष्णु और महादेव में भेद नहीं। मत ये भेद मत करना वरना महाअपराध लगेगा, ठीक है। तो आज ये वीडियो उनके लिए, पहले मैं बता दूं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली और वो घर में माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो माला करते हैं तो आज इस माला को और पावरफुल कैसे बनाते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये माला हरे नाम जो अपने आप में संपूर्ण नाम है, लेकिन इस माला को जो और पावरफुल बनाता आज मैं आपको वो मंत्र बताने वाला हूँ। ये फिर बता दूं जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, ये वीडियो उनका नहीं है। आप अपने गुरु संप्रदाय के अनुसार जो आपके गुरु आज्ञा करते हैं, जैसे मेरा गुरु जो है, जो मेरा गुरु मंत्र, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र होता है, वो सुबह बैठ के आसन पे जो मेरे को नियम बताया गया उसके बाद उसे फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं ये मंत्र हर जगह जप सकता हूँ। ये कहाँ कहाँ जप सकते हैं ये मंत्र, ये भी बताऊंगा। इससे पहले कौन सा मंत्र जपना चाहिए ये भी बताऊंगा। और मेरे से एक बात की गई थी, प्रभु हम इसे कहाँ कहाँ, मतलब यही बात आ गई, कहाँ कहाँ नहीं जप सकते। मैं कहता हूँ इसे हर जगह जप सकते हैं। पहली बात का जवाब मैंने इसे दे दिया, आप इसे हर जगह जप सकते हो। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उनका जो सिर्फ माला जाप करते हैं उनको एक मंत्र नहीं पता, जो कि मैं बताऊंगा, जिससे माला और पावरफुल हो जाएगी। और जो फिर बोलूंगा जिन्होंने दीक्षा ले ली कि अपने गुरु गुरुजनों की आज्ञा द्वारा जो भी उनके नियम है उनको फॉलो करिए, उनके हिसाब से आप नाम जप कीजिए। तो चलिए और बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। और वीडियो अच्छा लगे फिर बोल रहा हूँ, गुरु गोविंद के आशीर्वाद से, साधु संतों की कृपा से, दास जो बात बोल रहा है वो आपके आगे रख रहा है, आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आप सब, सॉरी चलिए बढ़िए इस वीडियो में आप सब मेरे साथ। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये माला है, मेरे अंदर ये कोई ऐसी नहीं ले रखी, वाकई ये माला जाप है। ये मेरी साक्षी माला है कि मैंने कितनी माला कर रखी है, ये दूसरी साक्षी माला है कि मैंने कितनी माला और कंप्लीट कर ली है। और ये माला से जैसा कि है, अब मैं खोल के दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ में माला जब था ये पूर्ण हो गया, ठीक है। तो ये पूर्ण हुआ तो सोचा मन में आज ये वीडियो बना दूँ। ये सवाल मेरे पास आया था कि प्रभु चलो पहले से लपेट देते हैं, ठीक है, पहले से साइड में करें, ठीक है। तो एक बहुत अच्छे हरिभक्त हैं जिन्होंने से पूछा था, प्रभु जी मैं ये माला जपती हूँ, मेरे को इसका असर होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं चल रहा। तो बात शुरू करते हैं, होगा नहीं होगा। देखिए विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो अपने प्रभु पे विश्वास करो, भगवत गीता पे विश्वास करो, संतों की वाणी विश्वास करो। मैंने भी कोई वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़े, संतों की वाणी से ही, उनके मुखारविंद से ही मेरे को प्रभु की महिमा पता चलती है। मेरे लिए श्री कृष्ण से पहले, राम से पहले ये संत महात्मा जिनके मुखारविंद द्वारा मुझे प्रभु की लीला पता सुनने को मिलती है, इसका श्रवण करने को मौका मिलता है और मेरा मन गदगद होता है और मैं प्रभु के और समीप जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर आते हैं उनकी वाणी द्वारा और मैं और प्रभु के समीप जाता हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। मेरा पूर्ण विश्वास है मेरे सनातन धर्म पर हमें श्री कृष्ण ही हमारे पालनहार हैं। मुझे अपने वेद पुराण शास्त्र भगवद गीता भागवत महापुराण संत महात्मा सब पे विश्वास है, उनकी दिव्य वाणी द्वारा प्रभु की ही बातें जन जन तक पहुँच रही है। और सारे पुराणों का एक ही सार है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, जितना हो सके हरि नाम जपो। कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में केवल नाम चलेगा, इसलिए जितना हो सके हरि का नाम जपो। हम देखो अभी क्या है, कितने नीच मलिन पतित हो गए हैं, प्रभु का नाम नहीं जपते हैं, मनमाना खाना मनमाना आचरण कर रहे हैं। एक मेरे को किसी मित्र ने बोला था कि
ठीक है, ये प्रभु जी ये क्या धन दान वाले लोग होते हैं, ये सुख संपत्ति इनके पास आ जा रही है, तो ये तो वैभव यश कीर्ति कमा रहे हैं, तो इनका फल इन्हें क्या मिल रहा है। इसका वीडियो में उनको अगली बार में जवाब दूंगा, ये मेरे से कल ही पूछा गया था, मैंने कहा इसका जवाब बताऊंगा, फिलहाल मैं इसका जवाब दे रहा हूं कि हमें कलयुग में नाम जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मन इतना चंचल हो जाएगा, मन इतने विषमताओं से बेकारों से भर जाएगा कि मन कभी भक्ति मार्ग में लगी गई। अब इंसान खाली बैठा जप लिए बैठे बैठे राम सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम, तुम्हारा क्या गया? कुछ नहीं गया, बल्कि इस नाम जपने से ना जाने तुम्हारे कितने पाप नाश हो गए। मैं फिर बोल रहा हूं, हम हरि का जिसका वंश है, जिस हरि का अंश है उन्हीं का वंश है। आपके पिता ही आपका अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, तो हमारी आत्मा के पिता कौन है? श्री हरि, वो ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। देवी देवता को नाम जपने से आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय संसार की माया से, जो आपको पाप में भोग मिल जाएगी, क्योंकि देवी देवताओं की जो व्रत होते हैं ना व्रत, ये संसार के लिए होते हैं। आप यश कीर्ति मान सम्मान बनाते, वैभव मिलता, फिर आप मनमाना खाना मनमाना आचरण करोगे, जो तुम पाप करके नरक में ही जाओगे, फिर संसार में आओगे, फिर बनेंगे 84 लाख योनि में जो हमारा कर्म है वो बनेंगे। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए, प्रभु को प्राप्ति के लिए आपको शरण नाम है सीताराम सीताराम राधेश्याम राधेश्याम जपिए, और नहीं होता। ये संत द्वारा कलयुग के बहुत बड़े संत ब्रज के संत वो कहते हैं कुछ नहीं हो रहा, बहुत पाप कर लिए, कुछ नहीं, प्राण छूट रहे, तब भी राम राम जपो, राम राम सीताराम जपो, तब भी उद्धार हो जाएगा। कलयुग में भगवान को पता है ये आदमी इंसान इतना नीच खत्म हो जाएगा, मेरा नाम ही नहीं जपेगा, फिर भी नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी ने बताया था, क्योंकि नारद जी ने पूछा था कि कलयुग का इंसान तो महापापी होगा, नीच होगा, अधम होगा, भोग वासनाओं से ग्रस्त होगा, तो उन्होंने कहा था पिताजी, जैसे उनके पिता हैं नारद जी के ब्रह्मा जी, उनके पुत्र हैं, तो उन्होंने कहा था कि इनका कलयुग में उद्धार कैसा होगा, उन्होंने कहा था सिर्फ एक हरि नाम से। कलि शतरण उपनिषद में इसका जिक्र किया गया था, पुराणों से लिया था, चैतन्य महाप्रभु ने पहले हरे राम करके उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से श्री कृष्ण का ही रूप थे, जो राधा रानी का रूप लेके श्री कृष्ण खुद आए थे इस जन्म में आके, वो भक्ति का प्रचार करने आते, हर जन्म में उन्होंने कोई ना कोई लीला की, इस जन्म में कलयुग में वो उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, इसका जिक्र है चैतन्य महाप्रभु का पुराणों के अंदर। गौर वर्ण होंगे इसलिए गौरांग प्रभु बोलते उन्हें, ठीक है। इसी गौरांग प्रभु के ऊपर मैं आपको एक मंत्र बताने वाला हूं, जो इस महामंत्र की इस तुलसा माला को और पावर कर देगा, इस मंत्र को और पावरफुल कर देगा। हाँ, एक बात और कहते हैं प्रभु जी, जैसे हम तुलसा माला पे नहीं कर पा रहे हैं, नीम की माला, हाँ करो, प्रभु का नाम करो, रियाज करो। अब बच्चा स्कूल में जाता है, कॉपी पे नहीं लिख पाता, तो कच्ची स्लेट पेंसिल, हमारे टाइम में स्लेट पेंसिल होती थी, अब तो नहीं होता है, अब भी फिर भी रफ पे उल्टा सीधा लिखता है, गंदी राइटिंग आदत तो पड़ती है ना, पेंसिल से लिखता, बाद में पेंसिल उसे अच्छे से लिखना आता है, तो अभी पेंसिल से लिखो, अभी आप नीम पे करो, और आपने नीम पे नहीं हो तो वैसे नाम जपो, उठते बैठते सीताराम सीताराम राधेश्याम, और ये पूर्ण मंत्र पढ़ लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो पहले बताया था, हमारे एक मित्र ने पूछा दीपक, तो मेरे को मेरी उम्र के दीपक ही बोलते, दीपक यार एक बात बताओ, मैं राम जी को बहुत मानती हूँ, अब सीताराम राधेश्याम राधेश्याम को गलत तो नहीं कर रहा? अरे मैंने कहा मरजानी, ये बोला मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैंने मरजानी एक बात सुन ले, कोई नाम में भेद नहीं है, बल्कि तू एक नाम जप ले, यही पूर्ण नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें दोनों का आ गया, सीताराम भी आ गया, राधेश्याम भी आ गया, हरे कृष्ण से आगे हरे और राधा है, और राम से आगे हरे और सीता है, तो हरे कृष्ण सीताराम सीताराम हरे राम और हरे कृष्ण मतलब राधेश्याम राधेश्याम हरे राम सीताराम सीताराम। तो मित्रों इस बात को समझने वाली बात होती है, हमें भगवान के नाम में भेद नहीं करना, तो हमें अगर नाम जप रहे हो और आपका मन है आप करो, आप नीम की माला पे भी कर सकते हो, आपने माला करनी है उसके बाद माला का सुमेरु क्रॉस नहीं करना, उसे वहां से घुमा दो फिर माला करो, सुमेरु को क्रॉस नहीं करना है आपने, वो गुरु तत्व होता है, ये बात आप समझ लीजिए। अब बात आती है कि तुलसा माला पे हमें कब करनी चाहिए कम नहीं, आप तुलसा माला पे कर सकते हैं, आप तुलसा माला पे कर सकते हैं, अगर आपने दीक्षा नहीं ले रही संतों की वाणी, आप तुलसा माला पे कर सकते हैं, लेकिन उसके थोड़े नियम होते हैं, शुद्ध भाव में होना चाहिए, हाथ पैर धो धो के करना चाहिए। अब ये बात आती है कि हम माला कहाँ कहाँ नहीं कर सकते या कहाँ कर सकते हैं, देखिए आप सिर्फ एक ही जगह माला नहीं कर सकते, माला जो हाथ में पकड़ रखिए सिर्फ शौचालय में, आप शौचालय में माला लेके नहीं जा सकते, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आप बाहर गए हैं, आपके गले में माला की थैली लटक रही है, आप शौचालय जा रहे हैं, तो आपको माला किसी को थमानी पड़ेगी। अगर आप घर में हैं तो आपके एक ही कमरा शौचालय, तो शौचालय को बंद रखो, वहां का नेगेटिव वो नहीं आनी चाहिए, बदबू वगैरह, ठीक है ना, तो माला को शुद्ध रखो, आपने शौचालय में माला नहीं करनी है, नहीं लेके जाना। हाँ शौचालय में एक चीज कर सकते हैं, आप सोच करते हुए आप जब बैठे हुए अपने पोर्ट पे, तो आप मन ही मन में नाम जपेंगे तब भी आपको फल मिलेगा, कलयुग में इतनी कृपा करी ठाकुर जी ने कि मन ही मन में जाप करेगा तब भी फल मिलेगा, आप नहाते हुए जाप करोगे तब भी उसका फल है।
जो तपस्या करके 10,000 वर्षों की तपस्या करके एक अंगूठे पर खड़े होके सत्युक्त द्वापर त्रेत युक्त 1,00,000 वर्ष की तपस्या होती थी, आज वही उसका फल सिर्फ 24 घंटे में नाम जप का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सत्युग में जो 10 साल की तपस्या करते रहे एक पैर पर खड़े होके, जो त्रेता युग में अंदर 10,000 वर्ष की तपस्या करते रहे यज्ञ करके, जो त्रेता सॉरी द्वापर युग के अंदर जो पूजा पाठ करते रहे 1,000 वर्ष, यहाँ सिर्फ 24 घंटे में नाम जप से आपको वो फल मिलता है। कलयुग हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन मन इतना भोग विकार से ग्रस्त है, क्योंकि हर प्राणी ग्रस्त है, हर जगह चीना झपटी, चोर बजारी, रिश्वतखोरी, पाप धर्म, धर्म के नाम पे लड़ाइयां, मतलब बेअकल वाली बात हो रही, क्योंकि हर इंसान अपने अपनी कर रहा है और अपनी ही सुन रहा है। सामने वाले से सिर्फ वो अपने मन की सुनना चाहता है, अगर उसका भाई भी है, उसकी बहन भी है, दोस्त भी है, अगर उसके मन के हिसाब से उसको जवाब मिल रहा है, बातें हो रही है, तो उसका दोस्त बनना वही दुश्मन है। दुश्मन यहाँ बाहर नहीं है, घर में ही दुश्मन है। जहां विचार नहीं मिले वही दुश्मनी, वही लड़ाई, वही भाइयों में दीवार खड़ी, वहां वही बहन भाइयों में कोर्ट में केस पहुंच गया, क्योंकि घर घर में आज विचारों का कलेश है, जिस कारण बननी रही और इस कारण हम टूट रहे हैं, घर बिखरता जा रहा है। समझे, जो एक मजबूत वर्ग होता है ना, ज्वाइंट फैमिली खत्म होकर किस्तों में बढ़ गई है, भाई भाई एक दूसरे के मेहमान हो गए, ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। तो आपने माला जाप करनी है, खूब करो, और नहीं तो मन ही मन में जपो, मन ही मन में जपो, ये बात आप समझ लेना। नहीं तो आप माला करनी है इसका सीधा अपने आप माला कहां कहां कर सकते हैं, देखिए महामंत्र की माला आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, मैं पलंग पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं कर सकता हूं, मैं कुर्सी पे बैठ के कर सकता हूं, मैं घूमते फिरते कर सकता हूं, मैं घूमते फिरते भी कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करो पलंग पे ना, क्योंकि पलंग एक नेगेटिव एनर्जी में आता है, इस पे आलस्य आता है। मैं कभी पलंग पे बैठ के नहीं करता, मेरा है जो मुझे जानती है, जो मेरे को अच्छे से मेरे पास आए, मैं दिन भर अपना पलंग सुबह उठने के बाद पूरे बिस्तर लगा लू के रख देता हूं, मैं जब रात को सोता हूं तभी पलंग पे बैठता हूं या वीडियो बनाता हूं, ठीक है। अदरवाइज मैं माला जपते जपते करता हूं, अगर मेरे को कितनी देर करनी, मेरे को आदत है घूमते फिरते करने की, मैं बाहर बालकनी में खड़े होकर करता हूं, ग्राउंड लगाता रहूंगा पढ़ता रहूंगा। अर्थात आप माला कहीं भी कर सकते हो, अपने कॉलोनी में कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, माला वो गुप्त रहस्य है, किसी को बताओ मत आप माला करो। मेरे से कोई कहता है अपने ज्ञान को छुपा के रखो, आप क्या कर रहे थे, बस ठीक है बिजी था, फोन नहीं उठाता, मुझे पता मैं माला कर रहा हूं, कोई खास होते हैं आप बिजी था, नाम जब मत बताओ आपने क्या किया, क्योंकि भक्ति को गुप्त रखो, भक्ति को जितना गुप्त करोगे और संसार में अपना अलग रूप दिखाओ, संसार में अपना जो रूप दिखा रहे हो, संसार में लोग तुम्हारी निंदा करें करने दो, आपको बताना आप प्रभु का नाम जप, बस चुप रहो। अगर आपकी भक्ति का कोई मजाक उड़ा रहा है, मेरे टीके का कई बार दिल्ली मोड़ आया, हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा टीका मेरा आन मान शान है, मेरे सनातन धर्म की पहचान है, ये मुझे एहसास कराता मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, ये घंटी मुझे एहसास कराती है मैं कृष्ण का हो चुका, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैं अपने कृष्ण का हो चुका, तो मेरे गोविंद की रजा में ही मजा, बाकी सब सजा, इसलिए मैं आनंद लेता हूँ। संसार तो उंगली उठाएगा उठाए और तुम्हारे घर से तुम्हारे पे उंगली उठनी चालू होती है, ऐसे मेरे साथ में थी, और आज का क्या नतीजा निकला, आज मुझे ब्रजवास मिला श्री जी की कृपा से, अपने शान से इस आलीशान कुटिया बोलता हूँ, आलीशान कुटिया ये 2 BHK के फ्लैट को, कि श्री जी ने मुझे यहाँ ला के रखा, मुझ नीचे दम पे इतनी कृपा करी, आनंद में रह रहा हूँ। संसार की परवाह मत करो, आप भक्ति मार्ग में किसी को जवाब मत दो, ठाकुर अपने आप देंगे और ऐसा देंगे उसकी बुद्धि फिरा देंगे, कोई आपका बुरा भी कर रहा है आपके साथ उसने कुछ भी किया है मत जवाब दो, जब ठाकुर जवाब देंगे ना उसका कोई तोड़ो नहीं, संयम रखो, सबर का दामन थामो, भक्ति में सबर आना चाहिए, भक्ति में झुकना आना चाहिए, भक्ति में निम्न होना चाहिए, भक्ति में विनम्र होना चाहिए, भक्ति झुकना सिखाती है, भक्ति सरल होना सिखाती है। साधु का मतलब सरल है, अगर कोई अच्छा कहता है ना, अरे यार ये तो बड़ा साधु था, आत्मा था, सरल था, जिस इंसान ने कभी गलत नहीं बोला, वही जो सरल है, जिसके अंदर मैं मेरा नहीं है, जो सबसे झुक के आदर भाव सम्मान करता है और भक्ति सम्मान करना सिखाती है, झुकना सिखाते हैं। आप देखो, आप प्रेमानंद बाबा जी को देखो, खुद लोग उन्हें प्रणाम करते वो भी झुक जाते हैं, वो भी झुकते, जो सब में भगवान देखते हैं वो भी झुकते। आप राजेंद्र दास जी को देखो, उनको कोई प्रणाम करे वो भी करते, वरना ऐसे अकड़ के रह सकता नहीं, झुकता सिखाते, वो भी सामने वाले में अपना भगवान देखते हैं, जैसे हम उनके अंदर भगवान देखते हैं, प्रभु का उसमें प्रभु विराजमान है, प्रभु ही उनके रूप में आके हमें ज्ञान दे रहे, वैसे वो हमें अपना मानते हैं। तो यही संस्कार होते, यही है भक्ति, झुकना सिखाती, विनम्र होना सिखाती, सरल होना सिखाती। ये आज मन के भाव से निकला, ये मैंने सोचा नहीं तो बताऊंगा, लेकिन आज प्रभु बुलवा रहे, तो ध्यान से समझिएगा। आप माला कर सकते हो, महिला भी कर सकती हैं, बस महिला से वैसे एक बात कही गई, जब आपकी अशुद्ध अवस्था हो उस समय आप माला मत करो, वैसे तो करने वाले करते हैं, क्योंकि तुलसा जी गली में तो कंठी पहनी होती है ना कईयों ने, तो ठीक है करने वाले करते हैं। अगर आप तुलसा, अगर आप अपने दीक्षा नहीं ले रखी, उनके लिए वीडियो है जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी, अगर आप अपने अशुद्ध दिन में आप माला कर रही करें, आप मंदिर में मत रखें, ऐसे साफ जगह रखें, और जब आप जिस दिन अपना सिर धोएंगे घर में गंगा जल होगा, ठीक है ना, उस गंगा जल में उसमें पानी में गंगा जल डाल के उसमें डुबकी लगा दो, शुद्ध हो जाएगी, और उस जल को तुलसा जी में नहीं डालना, किसी भी पौधे में डाल दो, तुलसा जी में कोई ऐसा जल नहीं डालना, ठीक है, आप किसी भी पौधे के जड़ में उसे डालो।
अशुद्ध अवस्था में अगर माता बहन जाप माला कर रही हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप जिस दिन सर्द होंगी उसी दिन अपनी एक छोटी सी तांबे की उसमें लेंगी, पानी लेंगी, दो तीन घूंट गंगा जल की डाल देंगी, उसके अंदर डुबो के वो शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो जल किसी पौधे की आप नींव में डाल देना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अशुद्ध अवस्था में तो माता बहनें गले में कंठी पहनती हुई पहनती है, ठीक है। तो तुलसा जी कभी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है जैसे कई भक्त आते हैं वृंदावन में, आते हैं हम भी आते हैं, माला उतारी गले की भी, यमुना जी में डुबकी लगा ली या राधाकुंड में डुबकी लगा ली, उसकी पावर बढ़ जाती है और शुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आप समझ लीजिए, बहुत बातों का जवाब निकल रहा है, हालांकि मैंने दो बातों के लिए वीडियो बना रहा था, लेकिन काफी बातें ठाकुर जी की कृपा से निकल रही। तो माला आप कहीं भी कर सकते, अच्छे आनंद से करो, घूम घूम के करो। माला करते हुए सिर में दर्द होगा, हाँ ये क्वेश्चन, प्रभु जी माला करते हुए सिर में दर्द होता है, होगा, क्योंकि महामंत्र है वो 16 अक्षर का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जगह बनाता है। और कई लोग चिल्ला के करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चिल्लाओ मत। श्रवण कीर्तन, श्रवण करो, कान से अपना भजन सुनो, कीर्तन करो प्रभु का नाम, आपको दो उस समय भक्ति लग रही है, कीर्तन की श्रवण की, आराम से जपो। जब एकांत में हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस आपको आपका सुनाई दे, श्रवण कीर्तन दो भक्ति हो रही है। और जब आप सबके सामने बैठे हो तो मन ही मन में जपो, तो भी एक भक्ति हो रही है, दुनिया को मत दिखाओ क्या जप रहे हो, आप तेज जपोगे। दूसरा, हम मन ही मन में भी जपते हैं ना शुरू में, या धीरे धीरे भी बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र वो पावरफुल है, ये मंत्र वो पावरफुल है, हमारी इंद्रियों को हिला देता है, इसलिए हमारे सिर में दर्द होता है। इसी आदत पड़ेगी ना तब ये शरीर नॉर्मल हो जाएगा। तो इससे घबराओ मत, दुनिया को दिखाओ मत, ना सुनाओ कि आप क्या कर रहे हो, गुप्त रूप से खाना खाते पेट में आपको पता ना क्या खाया, ऐसी भक्ति का रस आप लोग दुनिया को मत दिखाओ, दुनिया को मत दिखाओ कि आपने कितनी माला करी, भाव मत दिखाओ कि आपके मन प्रभु के प्रति क्या भाव आ रहे हैं, और जो भाव भी आ रहे हैं वो आपसे नहीं आ रहे, प्रभु की कृपा हो रही है, जो आप उनके प्रति रो रहे हो, उनके लिए तड़प रहे हो, उनकी चाहत लिया उनकी ओर बढ़ रहे हो, प्रभु की कृपा। याद रहे हम हरि की ओर नहीं बढ़ते, जिस पे हरि कृपा करते हैं हरि उसे अपनी ओर खींचते हैं, जैसे मुझे खींचा श्री जी ने, मेरी लाडली ने, जो आज मैं ब्रजवास कर रहा हूं। तो इस बात को समझना सीखो, तो आप मंत्र का उच्चारण बड़े सरल भाव से करो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, फिर आपका ऐसे सिर दर्द नहीं होगा, चिल्लाओगे तो दर्द होगा, ये पावरफुल मंत्र। तो अब बात करते हो उस मंत्र की जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी आप माला करने वाले हो, ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, बस एक मंत्र रख लो, मैं पहले नाम बताता हूं, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि वृंद, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, माफी चाहूंगा पहले मैंने गलत बताया था, अब ठीक है मैं बोल, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, ये मंत्र का जाप किया करो गौरांग प्रभु का, इसमें गौरांग प्रभु है, राधा रानी सब है, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, आप ये अपनी माला पकड़ के कम से कम 20 बार बोल दे करो, बस उसमें माला नहीं जपनी, मन ही मन में श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, सुबह एक बार माला उठाने से पहले जप लो, उसके बाद दिन में आप जितनी भी माला करो, 4 करो, 6 करो, 10 करो, 20 करो, फिर जपने की जरूरत नहीं है। सुबह जब भी आप माला उठाओ ये मंत्र जप ले करो, अगर एक बार भी बोल दिए तब भी उसकी पावर है, लेकिन अगर आप सुबह उठो आराम से 15-20 बार बोले करो, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, माला हाथ में होनी चाहिए, पर ये माला हाथ में होनी चाहिए, ये मंत्र जपते माला की इंटेंसिटी तुलसी माला की और पावर बढ़ जाएगी, ये याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ ये वीडियो उनके लिए जो भक्ति मार्ग में आए हैं और प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं, सबको देख के उनका मन भी होता हम माला करें, उनके लिए नहीं है जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, वो फिर बता रहा हूँ अपने गुरु के आगे अनुसार, अपने जो भी आपके जिस संप्रदाय के गौड़िया माधवा निम्बार वैष्णव जिस संप्रदाय के उनको फॉलो करो, हरिवंश जिस भी संप्रदाय के उनके हिसाब से चलो, लेकिन जो अभी चल रहे हैं जिनको अभी सही मार्ग नहीं पता, दास अपनी बात रख रहा है, जब भी आप माला करो आप ज्यादा नहीं, शुरू में ज्यादा नहीं हो तो 4 बार जप लो, अगर 20 बार कर लो अच्छी बात है, 4 बार जप लो, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, ध्यान से सुनना, श्री गौरांग नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, श्री गदाधर, श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, ये आप मंत्र जप लो माला करने से पहले, चाहे सुबह 4 बार की आदत डाल लो या 6 बार की, जब आप उठाओ ये मंत्र जपो, उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, फिर माला फेरो मन के से, ठीक है ना, फिर अपनी माला फेरो। तो ये मंत्र है, फिर बता रहा हूँ सरलता से रहो, मेरे से ये बात जो पूछी जाती है मैं उसके अनुरूप आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ।
तो धनवानों को कैसे उसको पाप मिलेगा, धनवानों के की स्थिति प्रतिकूल है अनुकूल है, वो कैसी अनुकूल होते हुए वो क्या कर रहे हैं, इसका जवाब फिर मैं गुरु गोविंद की प्रेरणा से आपको देने को दूंगा। एक सवाल और आया था जो मेरे अभी ध्यान से स्लिप हो रहा है, उसका जवाब भी देना मुझे बाकी है। हाँ, आप जब नाम जब करते हो पिटाई की होती है, तो उसका जवाब मैंने कई बार दिया है, तो फिर दोबारा देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, दास के भाव अच्छे लगे, तो आगे शेयर कीजिएगा। दास का उद्देश्य है, जैसे मेरा चाहता हूँ, भक्ति मार्ग में जग में कोई तेरा दुश्मन नहीं, कर मुख से सदा मीठी वाणी बोलो। भक्ति मार्ग में आयो तो दुश्मनी खत्म कर दो, मैं मेरा छोड़ दो, किसने तुम्हारे साथ क्या किया है छोड़ दो। ये संसार जब तक आओगे, कभी तुम उसके ऊपर हैवी बनोगे, कभी वो तुम पे हैवी होगा। अगर आज तुम्हें चार जन लपेट देंगे अगले जन्म में, तो हो भी सकता है पिछले जन्म में तुमने उनके साथ किया हो, या नहीं तो अगले जन्म में तुम उनके साथ कर दोगे। ये तेरा मेरा हम इंसान हो गए, भाई बहन आज लड़े ना, यही अगले जन्म में सांप नेवले बनते हैं, कुत्ते बिल्ली बनते हैं हम। जो आज प्रॉपर्टी के लिए लड़ते लड़ते मर रहे ना, यही जन्म हमारे कुत्ते बिल्ली का होता है, दुश्मन के रूप में, सांप नेवली की तरह होता है। ठीक है, हम एक दूसरे को मार काट करते जानवर में भी, क्योंकि हमारा द्वेष है, हमारा बैर रहा है। हम मानव देह में होके इसको हमने विकारों से नहीं निकले, मैं मेरे से नहीं निकले, भक्ति मार्ग में नहीं चले, इस कारण हम सांप नेवली की तरह लड़ते हैं। कुत्ते बिल्ली जानवर होके 84 लाख योनि में तो फंसते हैं, और जानवर होके हम कुत्ते बिल्ली की ठाकुर हमें योनि देते, भैया भुगतो भुगतो। जैसे कोई अपने बच्चों को मरते समय बच्चों के ध्यान में था, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, पता उनको अगला जन्म क्या मिलता, सूकर कूकर, सूअर का, बहुत सारे बच्चे ना, ले बच्चों की ममता रख। कुत्ता होता ना, देखा ना कुतिया कितने सारे बच्चे होते हैं, 8-10 पिल्ले देती है, ले इनकी ममता में मर। अगर जो अपने बच्चों के ध्यान में मोह में मरता है, उसका जन्म अगले जन्म में सूकर कूकर कुत्ता या सूअर बनता, क्योंकि उनके सबसे ज्यादा बच्चे, ले लगा इनसे लाड़ प्यार लेकर। और जो अपनी धन दौलत मेरे पैसे को क्या होगा, मेरे पैसे को हाय रे इतना कमाया, वो अगले जन्म में नाग बनता। एक बात बता रहा हूं, अभी मैं एक जगह गया था, मैंने उनसे बोला आप गरुड़ पुराण रखवाओगे, तो ये भी देखो बात छिड़ी है, नहीं नहीं हमारे नहीं रखवाते। अब मैं उनको क्यों बताऊं, उनके पिता की अंत्येष्ट अभी हुआ था, मैं दिल्ली गया था, मैंने गरुड़ पुराण का पाठ रखवा दो, गरुड़ पुराण से आत्मा को कोई मैटर नहीं है, गरुड़ पुराण से आत्मा को कोई धार नहीं होगा। गरुड़ पुराण इसलिए क्योंकि शोक के दिन चल रहे हैं, तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि भैया अब भी सुधर जाओ, कि आपको पढ़ लो उसका क्या 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 बीमारी का, तो क्या क्या पाप का, क्या क्या वहां पे दर्द भोगना पड़ता है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। सच तो ये कि उनके पूर्वजों ने जब कभी गरुड़ पुराण सुनी होगी ना, डर गए होंगे, क्योंकि गरुड़ पुराण तो नरकों का रौरव नरक, पता नहीं दुनिया भर के नरक 28 प्रकार के नरक, उसका विश्लेषण किया गया। हमारे पिताजी पूरे हुए तो हमने रखाया था, हम हिल गए थे, इतने तगड़े नरक लिखे। तो उसने गरुड़ पुराण हर कोई नहीं सुनना पसंद करता, तो उन्होंने नहीं सुनी, उन्हें पता नहीं वो करने वाले क्या है। तो भाई आज की तारीख में किसी को ये मतलब नहीं है धर्म क्या कहता, हर कोई अपना मनमाना करता। मेरी बात पर गौर कीजिएगा, ठीक है ना। आप जितना हो सके हरि नाम कीर्तन करो, मेरा उद्देश्य मेरा उद्धार हो, मेरे साथ आपका हो, मैं सबका उद्धार चाहता हूँ। इसलिए भक्ति मार्ग में दुश्मनी खत्म कर दो, वरना शूकर कूकर बन के आते रहोगे, सांप नेवला बन के लड़ते रहोगे, कुत्ते बिल्ली बन के लड़ते रहोगे। इसलिए आप चाहो तो अपना उद्धार अपने आप कर सकते हो, मरने के बाद कोई तुम्हारा उद्धार करने वाला नहीं है। आपको जीते ही अपना उद्धार करना, तो खूब हो सके हरि नाम जपो। आप खुद देख लो, आप अपने पितरों के लिए, आप अपने बच्चों के लिए, आपने माता पिता जो आपके पधार गए हैं उनके लिए कितना करते हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी। हाँ श्राद्ध आएंगे तो खिला दिया, हाँ ठीक है उनके नाम का खिला दिया, कोई नहीं पूछता। तो आज तुम नहीं जपोगे, तुम्हारे बच्चों को तुम नहीं बताओगे संस्कार क्या होता, तुम्हारे बच्चे भी नहीं मांगेंगे। तभी तो नियमराज ने कहा था कि नारायण, देखो चारों युग ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो स्वर्ग जब सतयुग था तो सतयुग से कहा था कि मेरी पूरी कोशिश है कि हर किसी को यहाँ से हर कोई स्वर्ग जाए, भगवत प्राप्ति हो। तो जब आई थे ना कलयुग की बारी, तो ब्रह्मा जी कहा था जैसे सतयुग कहता ना मेरी कोशिश है कि हर कोई को भगवत प्राप्ति हो, तो कलयुग ने कहा था मेरी कोशिश है कि उसी ब्रह्मा जी कि हर किसी को नरक मिले, कोई इक्का दुक्का भगवत धाम तो बहुत दूर की बात है, स्वर्ग तक पहुंच पाएगा। तो नरक कलयुग का नेचर है, उसने हमें नरक में लेके जाना, क्योंकि भोग वासना का कलयुग है, भोग वासना ईर्षा निंदा मैं मेरा देखो त्राही त्राही मच रही है। इसलिए भैया जितनी जल्दी हो सके हरि का दामन थाम लो, और खून हो सके नाम जप करो। मेरी वाणी द्वारा कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। फिर बोलता हूँ भगवान हमारे लिए, ये जितने भी ये साधु संत महात्मा भगवान का ही रूप है, इसलिए उनको सुनो फॉलो करो। मैंने भी वेद पुराण शास्त्र नहीं पढ़े, लेकिन इनकी वाणी सुन के मेरे अंदर भक्ति जागती है और मेरी भक्ति प्रबल होती है। मैं फिर बोलता हूँ, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं सनातन धर्म की संतान हूँ। धर्म तो एक सनातन है, बाकी सब भ्रम है, मन माने ढंग से बनाए गए धर्मों में कोई नहीं।
दम है। ये सारी बातें मन के भावों में ठाकुर जी ने उतारी, गुरु गोविंद जी की कृपा से मैंने आगे रखी। साधु संतों का आशीर्वाद है जो उनके सानिध्य में रहता हूँ और जो बोल पा रहा हूँ ये गुरुदेव की कृपा, गुरु गोविंद की कृपा है। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो आगे शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए वृंदावन की पावन धरा से मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल।